नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग, फटाफट से कमेंट करके बताइए। आज हमारा लेक्चर 18वां होगा। अगर आप इस लेक्चर में शुरुआत से जुड़े हैं तो आपने अब तक 17 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर आप कम से कम हजारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार जो रिपीट होते हैं उन्हें कवर कर चुके हैं। क्लियर है? अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो आज ही जाकर पुराने लेक्चर्स देखना, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जीके में यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपना बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन श्योर कर लेना। क्लियर है? अगर आप CISF की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, उसे जरूर डाउनलोड करिए। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हम कंडक्ट कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि रैंकिंग आपकी पता चले, ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी क्या चल रही है। क्लियर हो गया? इसमें हम एक गेम शो भी रखते हैं, 25 क्वेश्चन पूछेंगे मैक्सिमम। जो पार्टिसिपेट करता है बच्चा, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है, उसको मैक्सिमम लाइव वॉचिंग के बराबर प्राइस दे रहे होंगे। खेल के नियम वगैरह जानने हैं तो आप पहला लेक्चर जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से कमेंट करिए, भारतीय गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? कौन था भाई, फटाफट से? डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन आंसर हो जाएगा। क्लियर है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति, 20 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। वीवी गिरी कौन थे? उपराष्ट्रपति बने थे जाकिर हुसैन साहब के टाइम पर। क्लियर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति यही थे, दूसरे नंबर पर अगले 5 साल के लिए फिर से यही बन गए थे। क्लियर है? और उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? राधाकृष्णन। और इनके बाद जो बने थे राष्ट्रपति वो कौन थे? राधाकृष्णन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है? अच्छा एक बात बताइए सर, राष्ट्रपति की बात हो रही है, चुनाव आयोग कहां से आ जाएगा? राष्ट्रपति से ऊपर हो जाएगा वो? नहीं। तो क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति के चुनाव को कौन कंडक्ट कराता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चुनाव आयोग। क्लियर है? तब आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे प्रदान करता है? फटाफट से कमेंट करिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे प्रदान करता है? बच्चों को, महिलाओं को, दलितों को, या ए और बी दोनों? ये दोनों क्या आंसर हो जाएगा? ए सवाल का सही आंसर होगा, बच्चों को। किसे कहते हैं? बच्चों को। ए सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कौन से आर्टिकल में? अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 24। कौन सा है? आर्टिकल 24 के अंदर ये बात निहित है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले भारत रत्न प्राप्त कर दिया था? तो किसने किया था? अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं उस महान इंसान को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 2 बार उपराष्ट्रपति, 1 बार अपने राष्ट्रपति भी, और भारत रत्न प्राप्त कर लिया था राष्ट्रपति बनने से पहले। क्लियर है? बहुत, अगर आप सक्सेस हो जाते हैं ना, फिर आप सक्सेस ही होते रहते हैं, इसलिए कभी भी गिव अप मत करना लाइफ में, और कभी भी फेलियर आए तो उसको दोबारा से रिकवर करें। क्लियर है? गिव अप नहीं करना। अगला क्वेश्चन, राज्य को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1998 में जो राज्य को भाषा के आधार पर गठित किया गया था, उसके पहले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या आंसर हो जाएगा? सी सवाल का सही उत्तर होगा, जस्टिस एम के धर। क्लियर है? जस्टिस एम के धर इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, फटाफट से कमेंट करिए, एक बच्चा मैक्सिमम लाइव वॉचिंग के बराबर अमाउंट जीत रहा होगा। इसकी पीडीएफ को आप जरूर देखा करिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर पुलिस अकेडमी टाइप करो, वहां भी मिल जाएगा। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान होता है? किस अनुच्छेद द्वारा मिलता है? 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, आर्टिकल 32। क्लियर है? क्या आंसर हो जाएगा? आर्टिकल 32, 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इस समय संपत्ति का अधिकार वस्तुतः क्या है? जो आपका संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, वो एक समय पर क्या था? मौलिक अधिकार था। पता होना चाहिए, आप पुराने लेक्चर देखना अगर आपको नहीं पता। क्या आंसर हो जाएगा? कानूनी अधिकार। अब ये क्या है भाई? लीगल राइट है। क्या है सर? लीगल राइट है। क्लियर है? कौन से आर्टिकल के अंदर आ जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है, 300A पूछा जाता है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 300A। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई, बहुत बढ़िया। और कौन से अमेंडमेंट में इसको चेंज करा गया था? तो 44वां संशोधन। किसमें करा गया था? 44वां संशोधन। 42वां जो संविधान संशोधन होता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, प्रस्तावना के अंदर उसमें चेंजेस किए गए थे। सारी बातें आपको पता होना चाहिए, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन, सरकार ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की। कौन से अनुच्छेद के अंदर कार्यवाही की थी? आर्टिकल 17। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 17 इस सवाल का सही आंसर है। एक और आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है आर्टिकल 15। मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की, देखी होगी।
आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? धर्म, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर हम किसी से भी भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई तू बिहार का है, मैं राजस्थान का हूं, तू दिल्ली का है तो तू बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया, ये चीज गलत है। क्लियर है? ये हमें आर्टिकल 15 बताता है। क्लियर है? आपका, आप किसी और कास्ट से बिलोंग करते हैं, मैं किसी और से हूं, मैं अपर कास्ट हूं, मैं लोअर कास्ट हूं, इन सभी चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये चीज कहां पर होता है? रंग वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं, आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने भारत रत्न एवं पद्म श्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? कौन से आर्टिकल के अंदर? लिंक कर पाएंगे इसको, क्या आंसर हो जाएगा? आर्टिकल 18 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 18 क्या है। आपने पढ़ा होगा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्लियर है? जो उपाधियां होती है उनको समाप्त कर दिया गया था, जैसे कि अंग्रेजों को होती थी लॉर्ड वेलेसली, याद है, लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड की उपाधियां समाप्त, सर की उपाधियां समाप्त। लेकिन इसी के साथ साथ इसी आर्टिकल में क्या जोड़ा गया? भारत रत्न, पद्मश्री, ये सारी चीजें इसमें एड ऑन की गई थी। आर्टिकल 18 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत है, शोषण के विरुद्ध जो आपके अधिकार है उसके अंतर्गत क्या आता है? मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाता है, बिल्कुल सर। बेगार पर प्रतिबंध, बिल्कुल सर। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने इत्यादि में काम करने पर प्रतिबंध, बिल्कुल। तीनों सही है, इसका मतलब डी सवाल का आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फटाफट से कमेंट किया करिए कि आंसर क्या है, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। आप लोग देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे, लाइक करिए फटाफट से इसको, फटाफट से लाइक करिए और देखिए कैसे क्या चीजें चल रही है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का नागरिक बनने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त गलत है? नागरिक बनने के लिए कौन सी शर्त गलत है, फटाफट से बताइए, क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? जन्म द्वारा, वंशानुगत, संपत्ति अर्जन या नागरिकीकरण, क्या इस सवाल का आंसर होगा? देखते ही समझ में आ रहा है सर, सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा, संपत्ति अर्जन। मतलब संपत्ति से हम फिर वो नागरिक बनेंगे? नहीं सर, संपत्ति अर्जन नहीं हो सकता, सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं में से कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया? कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया? सीधी मेरी नजर गई डी आंसर पर, संपत्ति का अधिकार। क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? संपत्ति का अधिकार, डी सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार को किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका, फ्रीडम वाला जो अधिकार है, उसको किस आधार पर हम कम कर सकते हैं? सरकार कम कर सकती है, हटा सकती है, किस आधार पर? राज्य की सुरक्षा के हित में, बिल्कुल कर सकती है। दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध के लिए, बिल्कुल। अब हमें किसी देश से मित्रता करनी है लेकिन आप लोग उस देश के बारे में दबा के बोलते हैं उल्टा सीधा ये सब, तो उन चीजों को देखते हुए सरकार जो है उस चीज पर कुछ ना कुछ वो चीज कम कर सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, बिल्कुल, ये भी कर सकता है। मतलब कि डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी के आधार पर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? किसे कहा है? रेमेडीज, याद आ रहा है, किसे कहा है? बिल्कुल सी सवाल का आंसर हो जाएगा, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। क्लियर? अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो किसके द्वारा हटाया गया था? 42वां संविधान संशोधन, थोड़ी देर पहले अभी पढ़ के आ रहे हैं। क्लियर है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन। 42वां संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लघु संविधान इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान डैश क्या है? एक हरी नागरिकता प्रदान करता है, मतलब कि सिंगल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता मतलब ड्यूल सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है, या बहुस्तरीय, बहुसूत्रीय नागरिकता प्रदान करता है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सिंगल सिटीजनशिप चलता है इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संस्था देश की पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है? कौन सी संस्था है? फटाफट से कमेंट करिए, क्या इस सवाल का आंसर होगा? फटाफट से कमेंट करिए, बिल्कुल सभी का जवाब सही आ रहा है, सी सवाल का आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्लियर है? राष्ट्रीय विकास परिषद इस सवाल का आंसर है। किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान की जाती है? किसकी सिफारिश पर की जाएगी? देखिए, संचित निधि से राज्यों को सहायता प्रदान करी जाती है, तो किसकी से? बिल्कुल बी सवाल का आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग। क्लियर है? किससे हो जाएगा? वित्त आयोग। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? फटाफट से कमेंट करके बताइए मुझे, लोक लेखा समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बताइए। मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन है? जो आपका मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन है? अरे मंत्रिमंडल को कौन संभालेगा?
मित्रों फटाफट से आंसर करो मित्रों। हाँ मित्रों क्या आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ कहाँ करा गया था, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। क्या हो जाएगा, मारा प्यारा हरियाणा। क्लियर है, ठीक है भाई, दूध दही का खाना हमारा प्यारा हरियाणा। चलिए जी, पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे और मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे और अब मुझे आंसर बताना ही पड़ेगा इसका। क्या हो जाएगा, न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, न्यायाधीश पी एन भगवती, न्यायाधीश मेहरचंद महाजन, और इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, सभी बच्चों का कमेंट सही आ रहा है, ए सवाल का सही आंसर है। क्या हो जाएगा, ए। कब हुआ था सर ये, जो हमारे जाकिर हुसैन साहब जब राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो गई, फिर कौन बनेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति साहब ने त्याग पत्र दे दिया, फिर कौन बनेगा, न्यायाधीश। तो ये गौरव किसको मिल गया, किसको ये गौरव प्राप्त हुआ, क्वेश्चन आपका बन गया, ए सवाल का आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है, राष्ट्रपति का चुनाव के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है, 65, 70, 75, कोई सीमा नहीं। डी सवाल का उत्तर हो जाएगा, कोई सीमा नहीं होती। अच्छा कम से कम कितनी होनी चाहिए, कोई सीमा नहीं, मतलब कि 1 साल का बच्चा भी राष्ट्रपति बन सकता है। हाँ भाई बन सकता है क्या, क्या होती है भाई, कम से कम कितनी होती है, 35 वर्ष। क्लियर है, कम से कम कितना होता है, 35 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए और अधिक से अधिक की कोई सीमा नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न लेखों में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है, निम्न लेखों में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है। ये पुराना क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ रखा है, व्यक्ति स्वतंत्रता मतलब बंदी कर रखा होगा। क्या आंसर हो जाएगा, बी सवाल का उत्तर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, संसद द्वारा किया जा सकता है। क्लियर है, पहला ही क्वेश्चन है, शायद दोबारा रिपीट है। ऐप को आपको जरूर डाउनलोड करना है, कुछ ही दिनों में प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा। फ्री टेस्ट सीरीज सभी बच्चों के लिए, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर जरूर करना है। होमवर्क आपका यही है कि इस लेक्चर को रिवाइज करना है। पीडीएफ जो है इस लेक्चर की वो आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इन सभी लेक्चर को रिवाइज करिएगा, ये सीरीज भी हमारी कंप्लीट होने वाली है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।